उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बाहुबली अतीक अहमद की हत्या के बाद बंद हुई इंटरनेट सर्विसेज को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अतीक अहमद की हत्या के बाद इंटरनेट सेवाओं को सुरक्षा के लिहाज से बंद किया गया था, जिन्हें सोमवार की रात खोल दिया गया। इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगने के कारण प्रयागराज में बिजनेस और आम लोगों के कामकाज का बहुत नुकसान हो रहा था। प्रशासन ने इसे देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अपने कैंडिडेट्स को उतारने के बाद राजनीतिक पार्टियां अब उनके चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के निकाय चुनाव के लिए नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। पार्टियों की ओर से इस संबंध में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 4 तारीख को जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को कराई जाएगी। इसके बाद चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए कई इलाकों में छापेमारी की गई है। मंगलवार को शाइस्ता परवीन की तलाश में प्रयागराज के कई हिस्सों में पुलिस की टीमों ने अलग अलग घरों की तलाशी ली। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर मुखबिरों से भी शाइस्ता परवीन की जानकारी ली गई। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम है और फिलहाल उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा है कि अब कोई भी माफिया आम लोगों से फ़ोन पर रंगदारी नहीं मांग सकता। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग इसकी छवि के लिए डर का कारण बनते थे, अब उन माफियाओं पर भी डर खुद आने लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजू करने को लेकर मुस्लिम पक्ष के साथ जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई है। इस बैठक के जो परिणाम निकले उन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के साथ जिला प्रशासन ने तमाम बातचीत की है। इस बातचीत में डीएम एस राजलिंगम भी शामिल हुए हैं। बीते दिनों ज्ञानवापी परिसर में वजू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस बात को आपसी सहमति के साथ हल करना चाहिए।